हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करें ये देखना है। देखिए इसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए मेरे को क्या करना है कि स्केल लेंगे और स्केल लेकर हमें दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, स्केल की, प्रोटेक्टर की, कंपास की, पेंसिल की, इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि एक 9.3 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पहला स्टेप। ठीक है, तो देखिएगा हमने इस पॉइंट को बोल दिया ए, इस पॉइंट को बोल दिया बी, ए बी, और ये जो ए बी की लेंथ है ये है 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर, तो 9.3 सेंटीमीटर की लाइन मैंने एक ड्रॉ कर ली स्ट्रेट। उसके बाद मुझे अगला काम क्या करना होता है, अगला काम आप देखेंगे कि आप यहां से ये जो ए बी लाइन है ना, इस ए बी लाइन को आप सिर्फ 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देंगे इसको, समझ रहे हैं। तो ये 9.3 है, तो आपने इसको सिर्फ 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया यहां तक। नाइन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर देन 1 सेंटीमीटर, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, ये 10.3 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिएगा ये करने के बाद जो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन बन गई ना एसी, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो एसी है मुझे इस एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि हमें पता है कि ये 10.3 सेंटीमीटर है, तो मैं अंदाजे से क्या करूंगा, जो कंपास है कंपास में मैं आधे से ज्यादा लेंथ लेकर, आधे से ज्यादा, जैसे 10.3 है तो 10.3 का आधे से ज्यादा कितना हो गया, लगभग 5.2 मान लो आप, 5.2 या 5.3 मान लो, इतना सेंटीमीटर आप लेकर, और आप क्या करें एक बार कंपास की नीडल को यहाँ रखकर यहाँ एक आर्क लगाएंगे और नीडल को यहीं रहने देंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे। ऐसे ही कंपास की नीडल को विद द सेम लेंथ, आधे से ज्यादा लेंथ लेकर कंपास की नीडल यहाँ रखकर यहाँ एक आर्क लगाएंगे और फिर नीडल को यहीं रहने देकर एक आर्क यहां लगाएंगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। हाँ इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को बोल देंगे ओ, इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया ओ। फिर क्या करेंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पर आप एक सेमी सर्कल बना लोगे। सेमी सर्कल किस तरीके से कि ये जो सेंटर ओ है यहां से आपने सी तक का डिस्टेंस लिया या फिर ए तक का डिस्टेंस ले लिया कंपास में, और इतना डिस्टेंस लेकर फिर आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो, समझ गए। फिर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, तो सेमी सर्कल जब ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे सेमी सर्कल बन गया। ये करने के बाद में कंपास की हेल्प से आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, आप प्रोटेक्टर लेकर यहां पर प्रोटेक्टर को रखकर और 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप बना देंगे और ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी, ये वाला पॉइंट हो गया डी। उसके बाद फिर क्या करना है कि टेकिंग बी एस सेंटर, बी को सेंटर लेकर और पेंसिल यहां पर सेट कर, टेकिंग बी एस सेंटर एंड बी डी एस रेडियस, यहां पर कंपास का नीडल रखो, यहां पर पेंसिल रखिए, इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लो ऐसे, और यहां से एक आर्क लेकर आओ ऐसे। ये वाला जो पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट, दिस इज अंडर रूट 9.3, बस। दोबारा बोलो क्या, अगर अच्छा सी पर आ रहा था वो,
वो तुमने फिर कुछ ना कुछ गलती करी होगी उसमें, दोबारा करके देख लेना एक बार, अगर डाउट आए तो कल पूछ लेना मेरे से। ठीक, मैं दोबारा बताता हूँ हमने क्या करा कि अंडर रूट 9.3 है जैसे, अंडर रूट 9.3 में मैं क्या करूंगा, अंडर रूट को भूल जाओ और सीधे सीधे 9.3 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन बना लो। उसके बाद क्या करो कि ये 9.3 कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर बी तक, फिर 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड कर दो, मतलब इसी को 9.3 को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो 1 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना हो गया 10.3। फिर क्या करेंगे, फिर ये आप आधे से ज्यादा लेंथ लेकर, आपने क्या करा होगा, आपने 9.3 ही ले ली होगी लेंथ, हाफ से ज्यादा ली थी 5.4, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया था। फिर उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक की लेंथ लेकर फिर सेमी सर्कल बना लिया। फिर उसके बाद बी पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और फिर बी से डी तक की लेंथ ली थी या कुछ और? नहीं, ओ से अगर डी तक की लोगे ना तो फिर सेमी सर्कल ही बन जाएगा, तो फिर तो वो सी पर ही आएगी। बी से डी तक की लेंथ लेनी और बी पर कंपास को रखकर और फिर आर्क लगाना है, वो बाहर ही लगेगा, वो उस पर नहीं लग सकता। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे बताइए, अन्या, अवनी, सिमर, टिया, विदार, यशिका, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए जी, अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। इसके मतलब आप समझ में आ गया, चलें आगे। हाँ चलिए जी, फिर इसके बाद ना मैं इसमें हीरोन्स फॉर्मूला के एक दो क्वेश्चंस वो वाले देखूंगा जिसमें ट्रेपेजियम होता है, और ट्रेपेजियम का मेरे को फॉर्मूला, मतलब ट्रेपेजियम का मेरे को एरिया निकालना होता है। तो जो हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं तो उसमें एक मतलब हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्या अभी समझना, एनसीईआरटी में से बताऊंगी, आरडी में से कोई एग्जांपल, कोई भी। ठीक है, आरडी में से हीरोन्स फॉर्मूला का एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जो कि जिसमें हमको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होता है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, वो बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन भी नोट करेंगे आप और उसका सॉल्यूशन भी। पेज नंबर 12.11 मेरे बुक में चैप्टर नंबर 12 है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो पेज नंबर 12.11 एग्जाम्पल 4, पेज नंबर 12.11 एग्जाम्पल 4, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर, अ फील्ड इज इन द शेप अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are a field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are एक मिनट रुके बेटा बस। Those parallel sides are 25 meter and 10 meter. Those parallel sides are 25 meter and 10 meter full stop. The non-parallel sides are 14 meter. The नॉन पैरेलल साइड्स आर, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। फुल स्टॉप। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, फाइंड द
फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है, ये करना है हमको। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसी फोर साइडेड फिगर होती है जिसमें दो साइड्स तो पैरेलल होती है, बाकी की दो साइड्स पैरेलल नहीं होती। तो इन्होंने क्या दिया है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम की शेप में है, तो मैं इसको ड्रॉ करूंगा सबसे पहले। तो यहां पर आप देखिए, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इसको बोल दिया मैंने ए, बी, सी और डी। तो ये जो छोटी वाली साइड है, ये छोटी वाली साइड हो गई 10 मीटर, और जो बड़ी वाली साइड है वो 25 मीटर है। तो इसमें हम ये कहेंगे लेट ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड लेट ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम। लेट ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम। तो वेयर ए डी इज पैरेलल टू बी सी, लेट ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम वेयर ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये है, अब ये मिटा रहा हूं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ना एक काम करना होता है हमको कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन किस तरह से, कि जैसे ये डी है, तो मैं डी से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, और ए बी सी डी इसको ई बोल देते हैं, ई फॉर एलिफेंट, ई बोल देते हैं इसको। तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन डीई पैरेलल टू ए बी, डीई पैरेलल टू ए बी ब्रैकेट में लिख रहा हूं एज शोन। अब इससे क्या होगा, जब डीई हमने बीई के पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब डीई तो ए बी के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी, और ये ए डी जो है ये बी सी के पैरेलल था ही, तो इसका मतलब ए डी बीई के भी पैरेलल होगा, क्योंकि बीई जो है वो बीसी में से ही तो निकला है। तो हम ये कहेंगे सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, इट इम्प्लाइज दैट ए डी इज पैरेलल टू बीई, देयर फोर ए डी ई बी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद अब इन्होंने बोला अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर। तो इसको बोल दीजिए 14 मीटर और इसको बोल दीजिए 13 मीटर। अब आप ये देखिए, जब ए डी ई बी एक पैरेललोग्राम है, तो ये 14 मीटर है, तो ये भी 14 मीटर हो गया, ठीक है। देयर फोर ए डी ई बी इज अ पैरेललोग्राम एंड सो ए बी इज इक्वल टू डी ई,
तो जब ए बी की वैल्यू 14 है तो डी ई की वैल्यू भी 14 हो गई, एंड ए डी इज इक्वल टू बी ई, एंड ए डी इज इक्वल टू बी ई. तो जब ए डी की वैल्यू 10 मीटर है तो बेटा बी ई भी कितना हो गया, 10 मीटर. रीजन में लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बस इतना लिख दिया, सफिशिएंट है. अपोजिट साइड्स जो है पैरेललोग्राम की, फोन है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ये इक्वल होती है. ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गया, तो ये 14 मीटर है तो बेटा ये भी 14 मीटर. अब ये वाला 10 मीटर है तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 15 मीटर. ठीक है, तो मैं डी ई सी का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं. नाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी बाई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, तो एक लेंथ को ए मान लो, एक को बी मान लो, एक को सी मान लो. तो ए इज इक्वल टू 14 मीटर, बी इज इक्वल टू 15 मीटर और सी इज इक्वल टू 13 मीटर. देयर फोर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तो ए कितना है 14, प्लस बी कितना है 15, प्लस सी कितना है 13 अपॉन 2. तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 5 9 प्लस 3 12, 1 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 42 अपॉन 2, तो 221 जा. तो एस की वैल्यू आ गई 21 मीटर. फिर हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ये हो गया. अब इसकी वैल्यू डालेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट एस क्या है 21, ब्रैकेट में 21 माइनस ए कितना 14, मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी 21 माइनस 15, एस माइनस सी 21 माइनस 13. ये हो गया. ठीक है, इसके बाद यहां करेंगे इसको, ये हो जाएगा अंडर रूट 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 14 कितना हो गया 7, मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 15 कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई बाई 21 माइनस 13 हो गया 8 इज इक्वल टू. अभी 21 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 7, 7 एक प्राइम नंबर है, इसको ऐसे ही रहने दो. 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. तो देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4. अंडर रूट 2 की पावर 4, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2, 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2. 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 7 की पावर 2. कितना हो गया, जब हमारे पास पावर जो है ना वो इवन में आती है तो हम बाहर निकाल के पावर को हाफ कर देते हैं, आधी हो जाती है पावर स्क्वायर रूट के बाहर आकर. तो 2 की पावर 4 जब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 2 जब बाहर आ जाएगा 3 की पावर 1, 7 की पावर 2 जब बाहर आ जाएगा 7 की पावर 1. 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 इंटू 7 का मतलब 21, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 84 मीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा इस वाले ट्राइंगल का एरिया. अब आप ये देखिएगा कि ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालते हैं तो ट्राइंगल का एरिया एक तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकलता है. ट्राइंगल का एरिया निकालने का दूसरा मेथड होता है हाफ बेस इनटू हाइट. तो मैं क्या करूंगा, मैं डी से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूंगा. परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और बेटा इसको मैंने बोल दिया एफ, डी एफ. तो अगेन
यहां लिखें ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर डीएफ फ्रॉम डी ऑन ईसी, सो हाफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, हाफ बेस इनटू हाइट, जिस जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाता है ना उसको तो बेस बोल देते हैं, और जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है उसको हाइट बोल देते हैं। ठीक है, जिस साइड के ऊपर, जैसे आप देखिए ईसी के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ईसी विल एक्ट एज बेस, ये तो बेस हो गया, एंड डीएफ इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हाफ ईसी इंटू डीएफ, हाफ बेस इंटू हाइट, ईसी इंटू डीएफ, तो हाफ ईसी इंटू डीएफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, इसका एरिया मैं निकाल चुका हूं, ये होता है 84, हाफ मल्टीप्लाइड बाई, मुझे ईसी की वैल्यू मालूम है 15 है और डीएफ की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू 84, ये शायद डिवाइड हो जाएगा 8 + 4 = 12, ये 3 से हो जाएगा, 3 5 = 15 और 3 28 = 28। अब क्या करो, डीएफ की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई 28 × 2 और 5 यहाँ पर है तो यहाँ जाकर डिवाइड, तो 28 × 2 = 56/5 और 5 11 = 55, 56 - 55 कितना हो गया 1 10, 5 2 = 10, तो डीएफ की वैल्यू क्या आ गई 11.2 मीटर, डीएफ की वैल्यू 11.2 मीटर, बताइए जी क्लियर, ये मेरे पास आ गई डीएफ की वैल्यू। अब इसके बाद मैं एक काम करूंगा नेक्स्ट, अब आप देखिएगा, देखो ये वाला पोर्शन तो मैं मिटा नहीं रहा हूं, मैं ये वाला पोर्शन मिटाऊंगा, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो बताइए, मिटा दूं, कर लिया बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए सभी, ठीक यस सर। है, बाकी बच्चे बताएं, अवनी, सिमर, टिया, विदार, टिया बताइए, क्लियर है, मिटा दूं? यस सर। यस सर। ओके, तो ये मैं बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूं इधर से, क्योंकि फिगर की अभी मेरे को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, दो पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही होता है, दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये जो डीएफ है ये एडी और बीसी इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आप इसको यहां पर भी लेंगे ना पैरेललोग्राम के अंदर भी, तो भी डीएफ सेम ही आएगी, उसकी लेंथ कितनी ही आएगी 11.2 मीटर। तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी ई बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी ई बी ये क्या होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, जब हम एरिया निकालते हैं पैरेललोग्राम का, तो जैसे ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया होता है सिर्फ बेस इनटू हाइट, ठीक है, बस बेस इनटू हाइट कर देते हैं हम उसमें। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये जो डीएफ है, डीएफ विल एक्ट एज हाइट है ना, और बेस क्या होगा 10 मीटर, तो बीई इंटू डीएफ, बीई इंटू डीएफ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप कहेंगे कि भाई बेस अगर बीई है तो इस पर ड्रॉप होने वाला ही परपेंडिकुलर लेना चाहिए था, चाहे इस पर ड्रॉप होने वाला लो चाहे आप लो इसके एक्सटेंडेड वर्जन पर ड्रॉप होने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर किस किस के बीच में होगा, वो एडी और बीई के बीच में होगा, तो आप डीएफ को बिल्कुल पैरेलली यहाँ पर लेकर आओ तब भी तो उसकी लेंथ सेम ही आएगी, ठीक है, तो बीई, और अगर ये बाहर वाला भी परपेंडिकुलर है तो वो भी परपेंडिकुलर यानी कि हाइट की तरह ही एक्ट करेगा, तो बीई मल्टीप्लाइड बाई डीएफ। अब देखिए बीई कितना है,
बीई इज 10 एंड डीएफ इज 11.2, 11.2, तो पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 112 मीटर स्क्वायर। तो बेटा अब आप देखिए कि मेरे पास ये पैरेललोग्राम का एरिया आ गया, ठीक, और हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। तो अगर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के एरिया को अब मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हम कहेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एडीईबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एडीईबी अभी अभी निकाला 112 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी ये हमने निकाला था 84, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 8 9, 196 मीटर स्क्वायर। समझ गए होंगे 196 मीटर स्क्वायर। तो अगर ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन आता है तो वो इसी टाइप का आएगा, और इसके अलावा और कोई टाइप नहीं है। यही तरीका है कि आप पहले किसी ये वाली जो नॉन पैरेलल साइड है यहाँ से एक पैरेलल साइड ड्रॉ कर लो इस ट्राइंगल का, फिर आप एरिया निकाल लो। वो निकालने के बाद में फिर यहाँ से ये वाली हाइट निकालेंगे कैसे, कि बेस तो ये हो गया, ये हाइट हो गई, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया, जो एरिया हमने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला था। फिर दिस विल एक्ट एज हाइट एंड दिस विल एक्ट एज बेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेस इंटू हाइट करके पैरेललोग्राम का एरिया, फिर दोनों को ऐड कर। चलिए जी, अब इसके बाद ये करने के बाद में फिर हम जो पॉलिनोमियल्स कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको एक या दो ही एग्जाम्पल करवाए थे, जो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, मैंने आपको 8 आइडेंटिटीज लिखवाई थी उसमें एक या दो एग्जाम्पल करवाए थे, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। और कुछ है डाउट? नहीं। चलिए, तो वो हम कर रहे थे एनसीईआरटी से। आप लोग अभी फटाफट से एनसीईआरटी निकालें, एनसीईआरटी का पेज नंबर, एनसीईआरटी का पेज नंबर निकालिएगा बेटा 46, पेज नंबर 46। 46 में एग्जांपल नंबर 19 करेंगे, बस एक मिनट वेट करिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ अभी। आप इतने एनसीईआरटी का पेज नंबर 46 निकाल कर बैठिए, मैं अभी आ रहा हूँ। हमने एक आइडेंटिटी करी थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्या हो गया 3a, वाई हो गया 4b और जेड हो गया 5c, ठीक। लगाइए फॉर्मूला, थ्री ए का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a, 3a का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9a स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर 16 बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये सी स्क्वायर। 2 3 6 4 24 ए बी प्लस 2 4 8 5 40, 40 बी सी प्लस 2 5 10 30 ए सी 30 ए सी या 30 सी ए, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारा ये एक्सपेंशन हो गया एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 के बाद अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 पर बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 20 इंपॉर्टेंट है।
बना दिया मैंने इस पर। एग्जाम्पल 20 में है, एक्सपेंड 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर। एक्सपेंड 4a - 2b - 3c, एक्सपेंड 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ बीच में माइनस के साइन आ रहे हैं, मेरे पास ये वाला फॉर्मूला नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला फॉर्मूला जानता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो वो फॉर्मूला मुझे पता है। तो मैं एक काम करूंगा, इसको प्लस प्लस में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करेंगे? एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, इसको बोलेंगे 4a, 4a को डालो छोटे ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलो प्लस और ब्रैकेट के अंदर लिखिए -2b, फिर इसको बोलिए प्लस और ब्रैकेट के अंदर लिखिए -3c, और इसका होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास x हो गया, ये मेरे पास y हो गया, और ये मेरे पास z हो गया। ठीक है, x क्या हो गया 4a, y क्या हो गया -2b, और z क्या हो गया -3c, समझ गए? तो इस तरह से मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड बन गया। भले ही बीच में माइनस का साइन दे रखा हो, लेकिन प्लस माइनस करके उसको आप प्लस में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब इसमें वही फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि 2 × 4a × -2b प्लस 2yz, 2 × -2b × -3c प्लस 2zx, 2 × -3c × 4a। 4a का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। बीच में प्लस का साइन, -2 का स्क्वायर होता है +4, और b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, प्लस -3 का स्क्वायर होता है +9, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब 2 4 8, 8 2 16, लेकिन ये माइनस है और बाकी दोनों प्लस हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस का 16 ab, फिर 2 2 4 3 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस प्लस, तो 2 2 4 3 12 प्लस का 12 bc। फिर ये 2 3 6, 4 24, और ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो टोटल माइनस हो गया। ठीक है, तो 2 3 6, 4 24, -24 ca या ac, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। बताइए बेटा, क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21, तो एग्जाम्पल 21 में देखिएगा, ये है फैक्टराइज फैक्टराइज 4x² + y² + z² 4x² + y² फैक्टराइज 4x² + y² + z² -4xy -2yz और प्लस का 4xz प्लस का 4xz, ये है। तो आप ये देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जो है, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 21 भी। और इसमें देखिएगा, इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है, इसमें मुझे क्या करना होगा,
अब देखिए यहां पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जब भी मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाली तीनों टर्म दिखाई दे जाए किसी भी क्वेश्चन में, है ना, कि एक्स का स्क्वायर भी मिल रहा है, वाई का स्क्वायर भी मिल रहा है और जेड का स्क्वायर भी मिल रहा है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी कहीं ना कहीं मुझे लगानी होगी। किस तरह से लगाएंगे देखिएगा, जैसे 4x का होल स्क्वायर है, इसमें भी एक शॉर्टकट है, जुगाड़ है, देखना कैसे करेंगे कि जैसे 4x का स्क्वायर है तो 4x के स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, मैं बेटा ऐसे लिख दूंगा इसको 2x का होल स्क्वायर, या एक काम करता हूँ इसको ना आगे बताता हूँ इस तरफ, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में करके ना 2x का होल स्क्वायर, लेकिन 2 से पहले थोड़ी सी ना जगह छोड़ देना, शायद मुझे किसी में माइनस का साइन लगाना पड़े, ठीक है, कैसे लगाएंगे बताऊंगा अभी। प्लस वाई का स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट में वाई, वाई से पहले साइन छोड़ दो, जगह छोड़ दो ताकि मैं माइनस का साइन लगा सकूं, वाई का स्क्वायर। फिर अगला क्या है, जेड स्क्वायर, तो प्लस जेड और इसका स्क्वायर, तो इसके आगे भी मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी। यहां तक समझ में आ गया बेटा, क्लियर है इतना। इसके बाद देखिएगा फिर है माइनस का 4xy, तो यहां पर अब मैं क्या देखूंगा कि माइनस जो है वो दो टर्म्स में आएगा, हमेशा याद रखना दो टर्म्स में माइनस आएगा, हो सकता है तीनों में आ जाए, लेकिन खैर फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है इसमें भी माइनस आ रहा है और इसमें भी माइनस आ रहा है। -4xy -2yz, इन दोनों में अल्फाबेट एक्स वाई और जेड अल्फाबेट कौन सा कॉमन आ रहा है, वाई। माइनस वाली जो टर्म्स हैं उनमें जो माइनस वाली दो टर्म्स हैं, देखिए तीसरी तो प्लस वाली है, स्क्वायर वाली टर्म्स को तो छोड़ दो, तो इसमें जो है माइनस वाली टर्म ये है और ये है, इसमें अल्फाबेट वाई आ रहा है कॉमन, तो वाई कॉमन आ रहा है तो वाई वाली टर्म में माइनस लगा दो, बस यहां माइनस लगा दो, लगा दिया। इसके बाद अब आप ये जो दे रखा है ना इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर देना। क्या करना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, अगला क्या होगा 2xy, तो लिखो उसे मत देखो खुद लिखो, प्लस 2x यानी कि 2x इंटू वाई यानी कि माइनस वाई, प्लस 2yz, 2 इंटू वाई यानी कि माइनस वाई और जेड यानी कि जेड, प्लस 2zx, तो 2 इंटू जेड यानी कि सिर्फ जेड और एक्स यानी कि 2x। अब वेरीफाई कर लेना, ये तो खुद से लिखा ना बिना इसको देखा लिखा, ठीक है, अब वेरीफाई कर लो आप, देखो 2 2 जा 4, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, लेकिन माइनस का साइन है तो ये -4xy हो जाएगा, ये रहा -4xy आ गया। फिर इसको देखो 2 इंटू वाई इंटू जेड विद माइनस साइन, तो माइनस का 2yz, चेक करो माइनस का 2yz आ गया। फिर अगला 2 2 जा 4 और जेड इंटू एक्स, तो 4zx, ये आ गया 4zx, ठीक। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स क्या है 2x, वाई क्या है माइनस वाई, तो लिखेंगे माइनस वाई, और जेड क्या है प्लस का जेड, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बताइए बेटा सबको क्लियर है, यशिका पिया सिमर अवनी अन्या बताइए, ठीक यस सर, यस सर। है। चलिए जी आगे चलता हूँ, फिर मैं अगला देखेंगे, अगला है इसमें एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, तो फर्स्ट क्या है 3a+4b का होल क्यूब, 3a+4b का होल क्यूब, तो a+b का x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, पहले मैं बाद वाले का स्क्वायर करता हूँ, बाद में क्या है वाई, यानी कि बाद वाले का पहले स्क्वायर करेंगे, प्लस 3x2y, ठीक है, फिर पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, बाद वाले को एज इट इज छोड़ देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एक्स क्यूब यानी कि 3a का क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि 4b का क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3a इंटू 4b का स्क्वायर, 3xy स्क्वायर प्लस 3x2y, 3 इंटू 3a का स्क्वायर इंटू 4b,
9, 3 27, और ए का क्यूब 4 4 16, 4 64, बी का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 9 144, ये ए, और इधर बी का स्क्वायर हुआ तो बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, और 3 4 12, 12 9 108, 108 ए स्क्वायर बी। बताइए क्लियर सबको, समझ गए? ठीक है जी, अगला देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से होगा, ये है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। फाइव पी माइनस 3q का होल क्यूब, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, यानी कि x माइनस वाई के होल क्यूब का। तो फंडा वही है, पहला टर्म x क्यूब, फिर y क्यूब, फिर 3xy स्क्वायर, फिर अगला टर्म 3x2y, लेकिन जो साइन है वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगेंगे, समझ गए? जैसे यहाँ पर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, सब प्लस नजर आ रहे हैं, उसमें क्या करोगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा देंगे, बस इतना ही अंतर है। तो एक्स क्यूब यानी कि 5p का क्यूब, फिर वाई क्यूब यानी कि 3q का क्यूब, फिर 3xy स्क्वायर, पहले बाद वाले का स्क्वायर करते हैं, 3xy स्क्वायर, x क्या है 5p और y क्या है 3q, 3xy का स्क्वायर, ठीक है, और फिर 3x2y यानी कि 3 × 5p का स्क्वायर इंटू 3q, ये हो गया। तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे लगा देते हैं ऑल्टरनेट। ये करने के बाद 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 25, 5 125, 125p³ माइनस 3 का क्यूब, 3 3 9, 3 27, 27q³, फिर 3 5 15p प्लस 15p, सॉरी प्लस 15p मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9q² इतना हो गया, और 3 3 9, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25p² इंटू 3 3 9q, ये हो गया। इसके बाद अगला क्या है, मतलब इसी को सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, 125p³ माइनस 27q³ और 15 9 जो होता है 135, 135p³² प्लस 135p³, फिर माइनस 25 9 जो होता है 225, माइनस 225p²³, ठीक है जी, क्लियर, समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 23, 23 में बोल रहे हैं इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। एग्जाम्पल 23 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, एग्जाम्पल 23 का फर्स्ट पार्ट है 104 का होल क्यूब, 104 का होल क्यूब, मैं क्या करूंगा 100 प्लस 4 का होल क्यूब, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, छोड़ दूं, कर लेंगे इसको अपने आप। हाँ ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है 999 का होल क्यूब, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 1000 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 999 बन जाएगा, तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लगा देना है यहाँ पर, छोड़ दूं, कर लेंगे इसको। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल 24 है, एग्जाम्पल 25 है, आप लोग करिएगा ट्राई, ठीक है? कोई डाउट है मेरे से कल पूछना आप, ठीक है?
भाई जिन बच्चों का भी कल पेपर है, पॉलिनोमियल आ रहा है, जिसको भी डाउट आए प्लीज मेरे से कल आप पूछ लें या मेरे को व्हाट्सएप कर दें। सभी बच्चों को कॉमनली एक टाइम लेकर मैं जो भी डाउट्स की आपकी क्लास होगी वो कल मैं ले लूंगा। ठीक है लक्ष्य, कर लेना दिन से आप भी दोनों। ठीक चलिए जी बेटा, फिर आज के लिए इतना ही।